और ये आ गया फ्राई किया हुआ चिकन। इस तरह से लगातार चिकन पराठा जो है बनते रहता है। कितना बनता है एक दिन में यहाँ चिकन? एक क्विंटल पार रहता है। एक क्विंटल पार हो जाता है, इतना डिमांड है। लेकिन चिकन पराठा लगभग हम 8-10 साल से यहाँ आते हैं तो खाते हैं। अच्छा, 10 साल से आप यहाँ के चिकन पराठा खा रहे हैं? पहले प्लेट धोते थे, फिर धीरे धीरे मिस्त्री सीखे। यही होता है तरक्की। कुछ दिन के बाद लग रहा है कि आप वहाँ खड़े रहिएगा चिकन बनाने में। हाँ, सब जानते हैं। कुछ भी खाइए, सिर्फ 80 रुपये आपको पे करना, 80 रुपये में जो खाना है खाइए। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आए हुए हैं रांची में, रांची का फूड टूर कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं रवि जो कि सारा रांची का फूड टूर करवा रहे हैं। तो आज हम लोग को वो लेकर आए हैं रांची का एक बहुत ही बेहतरीन सा स्ट्रीट फूड कवर करवाने के लिए। और जब आए तो यहाँ अलग ही लेवल का नज़ारा था, हर तरफ लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, लाइन से जो है शॉप है, कार्ट है, सब कुछ है। बट इन सारे शॉप में से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो ये बड़ा सा तवा और यहाँ बनने हुआ वाला चिकन और पराठा। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में रांची के एक बहुत बेहतरीन से चिकन और पराठा को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं रांची में और जो लोकेशन वगैरह वो आपको आगे चल के बताएंगे, पूछ के कि कहाँ पर हम लोग हैं। फिलहाल देखिए, इस तवे पर चिकन और पराठा को बनाने का जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ग्रेवी जो है वो डाला गया, और थोड़ा देखते हैं पहले बनने का प्रोसेस, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद कौन से जगह पर हम लोग हैं ये सब आपको बताएंगे, क्योंकि बताने लगे तो ये हो जाएगा मिस। और इधर जो है बगल में ही पराठा को सेका जा रहा है, लाइन से इधर पराठा बेल रहे हैं, इधर सेक रहे हैं, काम चल रहा है। और ये आ गया फ्राई किया हुआ चिकन। इस तरह से लगातार चिकन पराठा जो है बनते रहता है। चिकन जस्ट फ्राई किया हुआ डाला गया। थोड़ा अलग तरीके का प्रोसेस आपको आज दिखा रहे हैं चिकन पराठा को बनाने का। आमतौर पर पहले तेल डाला जाता है, फिर कुछ होता है, बट यहाँ पहले मसाला डाला गया, चिकन डाला गया, कश्मीरी मिर्च डाला गया, अब ऊपर से जो है तेल वो डाला गया। लगभग कितना बनता है एक दिन में यहाँ चिकन? एक क्विंटल पार रहता है। एक क्विंटल पार हो जाता है, इतना डिमांड है। फ्राई करके आप उधर रखे रहते हैं? फ्राई करके रखा गया, ग्रेवी बन के रेडी है। अच्छा, अब जैसे जैसे तवा पे माल खत्म होगा वैसे वैसे बनते जाएगा, माल डलाते जाएगा। ग्रेवी में क्या क्या डालते हैं? ग्रेवी में पूरा सामान रहता है आपका, प्याज हो गया, आदि, लहसुन, मिर्चा, जीरा, गुलकी, MDH का मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया। ये जो चिकन जो फ्राई किए हैं इसमें क्या क्या डाले हैं? इसमें केवल नींबू रहता है, नमक रहता है, बस बस नींबू और नमक, और कुछ नहीं, कोई हल्दी वल्दी कुछ नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, इस तरह से चिकन को फ्राई करके रख, वो भी आपको कोशिश करते हैं दिखाने का कि चिकन फ्राई करके कहाँ रखा गया है। मसाला बताया जैसा कि पहले से रेडी करके रखते हैं, प्याज का ग्रेवी होता है, और ये तवे पर इसे तड़का वड़का लगा के अच्छे से मिक्स करके फिर खिलाया जाता है। तो अभी इसमें और भी कुछ मसाला डालना है कि हो गया? अभी ये 20-25 मिनट भुंजावेगा, उसके बाद इसे गरम मसाला जाएगा, धनिया पत्ता जाएगा। 20-25 मिनट भुंजाता है अभी? हाँ, नहीं भुजिएगा तो गलेगा नहीं ना, पीस बड़ा रहता है, एक मुर्गे का 8 पीस होता है। मुर्गे का साइज? मुर्गे का साइज 1.5 kg। यही पराठा वाला तवा है, यहाँ देख सकते हैं कि लगातार इस तरीके से पराठा को बनाया जा रहा है, इधर बाहर निकाला जा रहा है, और एनी टाइम पराठा जो है वो बनते रहता है। ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑर्डर आया तो बना, एनी टाइम बनते रहता है। और बिरयानी भी अगर आप लेते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो बिरयानी के साथ भी सर्व किया जाता है। और बगल में इस तवे पर बन रहा है चिकन, इधर ही देख सकते हैं जो सारा चिकन है ये फ्राई करके रखा गया है। एक क्विंटल चिकन इसमें है, मतलब पहले से भी बहुत निकल चुका है, और टोटल मिला के लगभग 1 क्विंटल जो है वो चिकन होता है यहाँ पर। ये जो है ये हो गया मसाला, 100 किलो चिकन के लिए जो मसाला है वो यहाँ रेडी किया गया है। इसी मसाले को यूज़ करके, इसी मसाले को तवे पर डाल के जो चिकन है वो रेडी करते हैं। और यहाँ हो गया बिरयानी, उधर देख सकते हैं कि चिकन जो है उसे बनाया जा रहा है, और जस्ट बगल में ही यहाँ पर है ये बिरयानी वाला काउंटर। यहाँ बहुत बहुत अच्छा सा बिरयानी लग रहा है, बिरयानी खाने के प्लान से आए नहीं थे, आए थे चिकन पराठा के लिए, बट बिरयानी का लुक बहुत सही लग रहा है। भैया कौन सा स्टाइल का बिरयानी होता है ये? दम बिरयानी, मतलब कोलकाता हैदराबादी वैसा कुछ नहीं सिस्टम है ना? कोई दम बिरयानी है अपना, आप झारखंड के स्टाइल में बनाते हैं? क्या रेट होता है बिरयानी का? बिरयानी का फूल 150, आप 80। अच्छा, इधर देखिए ये बिरयानी पहले इस तरीके से इसमें बना के रखा गया है, दम बिरयानी होता है। और ये भी हम लोग ट्राई करके जो टेस्ट है वो आपको बताने वाले हैं। चिकन का पीस इधर है। अच्छा, अंडा वंडा भी देते हैं 80 में? अंडा भी देते हैं, क्या बात है। फुल में गोटा अंडा, 2 चिकन, हाफ में एक चिकन, हाफ अंडा और 1 पीस चिकन, इस तरह से हाफ करके देते हैं। ये हाफ हो गया।
चलिए बहुत सही। तो बिरयानी भी ट्राई करेंगे और चिकन पराठा भी ट्राई करेंगे। यहाँ के ओनर हुए जी? हाँ। और कितनी पुरानी जगह है ये? ये हमारा दुकान तकरीबन 11 साल हो रहा है। 11 साल हो गया। हम सुने कि रांची का सबसे फेमस चिकन पराठा यही मिलता है। तो कस्टमर लोग का मोहब्बत है भैया। हम क्या फेमस, हम तो काम है वो हम कर रहे हैं। तो कस्टमर का मोहब्बत है जो हमको फेमस कर दिया। मोहब्बत है तभी 100 किलो चिकन बन रहा है। इसमें कोई शक नहीं। बिरयानी लगभग कितना बनता है आपका? बिरयानी 15 kg 18 kg चावल। 18 kg के आसपास चावल। एक टाइम अभी बना है। अच्छा। दूसरा टाइम खत्म होने के बाद 4 बजे 5 बजे दूसरा टाइम फिर से बनेगा। और टाइमिंग क्या होता है, कितने बजे से मिलना शुरू होता है? रात का 10। 10 बजे चिकन पराठा लोग खाते हैं आके आराम से? अच्छा, मतलब 10 बजे से लोग आके नाश्ते में भी कर रहे हैं चिकन और पराठा। हाँ। और लोकेशन क्या बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुआ? लाल चौक हाई मास्ट लाइट, ये हमारा दुकान के सामने लगा हुआ है। अच्छा, इसी से मतलब लोग पहचान जाएंगे? ये लोकेशन मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है। गूगल मैप का जो लिंक है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल दे, ताकि है ना गूगल पे। हाँ। नाम रहेगा बॉम्बे चिकन पराठा एवं बिरयानी, गूगल में है। ठीक। तो इधर एक लॉट जो है चिकन पराठा का वो रेडी किया जा रहा है और बस अब दूसरा लॉट भी जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। इधर देख सकते हैं इस बकेट में चिकन को निकाला जा रहा है और पीस जो है वो भी आप देखिए कितने बड़े साइज का पीस है। और भैया बताएं कि एक मुर्गे का बस 8 पीस होता है। और इधर का जो क्राउड है वो आप देख सकते हैं, मतलब कितना ज़्यादा भीड़ भड़क्का वाला माहौल है। यहाँ पे लोग लड़ भी रहे हैं, सब कुछ एक साथ जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और यहीं पर बगल में ही जो हमारा चिकन पराठा है, चिकन है वो रेडी किया जा रहा है, बगल में पराठा रेडी हो रहा है। भैया कितना टाइम और लगने वाला है? 10-15 मिनट। ये देख सकते हैं कि लोग बहुत मन से बैठ के चिकन पराठा खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? आपका स्माइल बता रहा है कि अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है, हम जब भी आते हैं यहाँ का चिकन पराठा जरूर खाते हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप यहीं के रहने वाली हैं, रांची की? नहीं, रहने वाले तो हम पटना के हैं, लेकिन फिलहाल हम रांची में ही रहते हैं, यहीं सेटल हो गए हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ मतलब रेगुलरली आते रहती हैं? जब भी आते हैं यहाँ का चिकन पराठा जरूर खाते हैं। और बिरयानी कभी ट्राई की नहीं? नहीं, बिरयानी तो नहीं ट्राई किए हैं, लेकिन चिकन पराठा लगभग हम 8-10 साल से यहाँ आते हैं तो खाते हैं। अच्छा, 10 साल से आप यहाँ के चिकन पराठा खा रहे हैं। तो बस जो चिकन है वो तैयार हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट निकलवाते हैं इसे प्लेट में और अब करने वाले हैं ट्राई, साथ ही साथ बिरयानी भी। ऐसा कि बताएं, बिरयानी बहुत टेम्पटिंग से लग रहा था तो बिरयानी भी ट्राई करेंगे। प्लान था सिर्फ चिकन का, बट बिरयानी का खूबसूरती देख के प्लान में चेंजेस आ गया है। यहाँ पे लच्छा पराठा जो है वो बनाया जा रहा है। कहाँ से हैं भैया आप? हम चिपड़ी से, दिवड़ी मंदिर से आगे। कहाँ से सीखे? ये सीखे कहाँ इस तरह से लच्छा? यहीं पर आके सीखे। पहले प्लेट धोते थे, फिर धीरे धीरे मिस्त्री सीखे। यही होता है तरक्की। कुछ दिन के बाद लग रहा है कि आप वहाँ खड़े रहिएगा चिकन बनाने में। हाँ, सब जानते हैं, सब जानते हैं। बहुत अच्छा से देखिए सर, लच्छा को घुमा रहे हैं, पूरा हाथ सेट है आपका। एक दिन में कितना लच्छा पराठा बना देते हैं? एक डेढ़ बोरा मतलब 1.5 क्विंटल हो जाता है। 1.5 क्विंटल लच्छा पराठा, कितना पीस गया तो आप नहीं गिनने सकेंगे। 1000, 1.5 हज़ार, 1.5 हज़ार, 2000, 2000 भी पहुँच जाता तक पहुँच जाता है। एक दिन में 2000 लच्छा पराठा बना लेते हैं। क्या बात है। ये आ गया हमारा एक लेग पीस, साथ में थोड़ा सा गया है ग्रेवी। और ग्रेवी और मांगने पे मिलता है? मिलेगा। इधर हम लोग कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं और ये आ गया है हमारा गर्मा गर्म चिकन पराठा, देख के बेहद खूबसूरत। ग्रेवी का कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, ग्रेवी जितना चाहेंगे आप उतना मिलेगा। ये बेहतरीन सा ये मिला है लच्छा पराठा। जो चीज़ चाहिए लच्छा में वो चीज़ है इसमें। और ये हो गया एक लेग पीस, ये है 60 रुपये का एक लेग पीस। और पीस का जो भी साइज़ है यहाँ लगभग यही साइज होता है। ट्राई करते हैं सबसे पहले लच्छा पराठा को, और बगल में बिरयानी भी ले ली है, फिर बिरयानी को ट्राई करेंगे। सबसे पहले ग्रेवी को ट्राई करते हैं। ऊपर डालते हैं ये थोड़ा सा प्याज। ग्रेवी का स्वाद ठीक है, बहुत मसाला नहीं है, बहुत तीखा नहीं है। प्याज का ग्रेवी है, टोटली प्याज के बेस पे बनाया गया है, तो जरा सा मिठास प्याज वाला है। चूँकि चिकन और मसाले को एक साथ नहीं बनाया गया है, तो जो चिकन का जूसेस ग्रेवी में जाता है वो चीज़ इसमें नहीं है। अब पीस को ट्राई करते हैं। चिकन का स्वाद बढ़िया है, चिकन का सारा जूसेस उसके अंदर इंटैक्ट है क्योंकि फ्राई किया गया था, तो चिकन का टेस्ट बढ़िया है, जूसी सा चिकन है।
बाहर में जो मसाला लगाया गया थोड़ा उसका टेस्ट आ रहा है। ग्रेवी को हम रखेंगे एवरेज कैटेगरी में, सिर्फ चिकन अगर आप खाते हैं ये बहुत सही है। और पराठा में भी कोई दिक्कत नहीं है, पराठा भी बहुत बढ़िया है, 10 रुपये के हिसाब से बहुत सही सा पराठा है। एक बाइट चिकन और पराठा, साथ में ग्रेवी और प्याज, कंप्लीट पैकेज। वो ओवरऑल सही सा कॉम्बो है, बट चिकन बहुत बेहतरीन लगा, सिर्फ चिकन बहुत बेहतरीन है। अब जो है बिरयानी ट्राई करते हैं, ये भी 80 रुपये का। तो 80 रुपये में हर एक माल है, 80 रुपये में आप बिरयानी लीजिए, 80 रुपये में आप चिकन पराठा लीजिए, 80 रुपये में आप चिकन चावल लीजिए, और ये बहुत कुछ है। कुछ भी खाइए, सिर्फ 80 रुपये आपको पे करना, 80 रुपये में जो खाना है खाइए। अच्छा बिरयानी सबसे पहले देखिए, साथ में मिलता है ग्रेवी, ये भी चिकन वाला ही ग्रेवी है, जो चिकन को उसमें यूज़ जो ग्रेवी को उसमें यूज़ किया गया था वही ग्रेवी है ये। साथ में थोड़ा सा रायता, एक पीस चिकन और बहुत ज़्यादा चावल, मतलब उम्मीद नहीं था 80 रुपये में इतना चावल मिल सकता है। पहले पीस को साइड करते हैं, ग्रेवी के साथ खाते हैं चावल को, वैसे ये भी गलती हुआ, सिर्फ चावल को पहले खाना चाहिए था। चावल खिला खिला है, चावल में बहुत मसाला को यूज़ नहीं किया गया है तो, और एक और चीज़ बहुत एसेंस को भी यूज़ नहीं किया गया, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हैवी सा कलर वगैरह दिख रहा है, कोई ख़ास इसमें मसाला या फ्लेवर नहीं है। अब ज़रा सा ग्रेवी के साथ खाते हैं अच्छे से, और थोड़ा सा ये जो चिकन है इसे लेते हैं, ये आ गया थोड़ा सा चिकन का पीस। वैल्यू फॉर मनी है इस रेट में, बहुत सही सा क्वांटिटी मिल रहा है आपको, बट बहुत स्पाइसी साइड नहीं है, हल्का कोलकाता से मिलता जुलता ही है, हैदराबादी तो नहीं कह सकते, कोलकाता से मिलता जुलता है। और ये हाफ खा के भी आपका पेट भर जाएगा, इतना सही क्वांटिटी है, ना बहुत एसेंस है ना ही बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मसाला या बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। ख़त्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए बताइए कैसा लगा, अगर आके यहाँ खाए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आके नहीं खाए हैं रांची के रहने वाले हैं तो आके आप ट्राई कर सकते हैं, डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट बाइट, वीडियो ख़त्म, थैंक यू सो मच।